नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। थर्सडे यानी गुरुवार का दिन कैसे खास बना सकते हैं हम? अब गुरु की बात आती है यानी थर्सडे की बात आती है, डेफिनेटली जुपिटर का खास दिन होता है। और जुपिटर जो है हमारी कुंडली में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। क्या चीजें हमें इनहेंस करने के लिए करनी चाहिए? यानी जुपिटर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा लेवल अच्छा रहेगा। जुपिटर अगर अच्छा स्ट्रांग होता है तो हमें एक रुतवार स्टेटस भी मिलता है। गुरुवार के दिन कुछ खास चीजें जो होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, कुछ खास चीजें करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए चीजें ये आपको बताएंगे। लेकिन अब गुरु का संबंध जो होता है, अगर हम कुंडली के हिसाब से चलते हैं तो धनु राशि और मीन राशि के जो स्वामी होते हैं ये हमारे गुरुदेव ही होते हैं। मकर और कुंभ के शनि होते हैं, लेकिन धनु और मीन यानी सेजिटेरियस और पाइसियम के जो लॉर्ड होते हैं, स्वामी होते हैं, ये जुपिटर ही होते हैं। और जुपिटर अगर अच्छा होता है तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। लेकिन अगर लग्न से चलते हैं तो नाइन्थ भाव का स्वामी होता है जुपिटर, आपकी डेस्टिनी भाग्य का स्वामी होता है। और वहीं बारहवें भाव का स्वामी भी जुपिटर ही होता है। अब सबसे बड़ी बात कहते हैं कि गुरु जो है इनकी दृष्टियां भी देखते हैं। अगर तो हम पांच सात लोग यानी फाइव दृष्टि से, फिफ्थ दृष्टि से और सेवेंथ दृष्टि और नाइन्थ दृष्टि से ये देखते हैं, तो जहां कुंडली की बात आती है, जहां ये बैठे होते हैं, तो वहां से पंचम, वहां से सप्तम, वहां से नवम, ये तीन भावों का इसका खास संबंध भी रहता है। सूर्य की बात करते हैं तो गुरु और सूर्य जो है ये अच्छे मित्र है, मित्रता है इनके अपनी। मंगल भी इनके मित्र है, चंद्रमा भी इनके मित्र है। लेकिन वही अगर के हम इनकी बात करते हैं कि शत्रु एनिमीज, अब वीनस के साथ इनकी नहीं बनती है, वीनस इनके एनिमीज है। और वही बुध यानी बुध को ये एनिमीज मानते हैं। बट बुध एक ऐसा प्लेनेट होता है वो सबके पास जा सकता है, हर एक प्लेनेट के पास जाने की क्षमता रखता है। शनि और राहु ये नॉर्मल है गुरु जी के लिए। अब चलिए, ये तो एक ग्रहों की भूमिका की बात हम कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका संबंध जो है वो रहता है। अब गुरु की दिशाएं भी है घर का, जैसे हम कहते हैं घर में भी कई बार हम कहते हैं हमारे घर का जो ईस्ट फेसिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, ईशान कोण जिसे हम कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये गुरु की दिशा होती है, जुपिटर की दिशा होती है। यानी हमें कुल मिलाकर के जब हम बात कर रहे हैं कि जुपिटर की, तो जुपिटर हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए। वो आपको लेवल देता है, एक अच्छी सोचने की शक्ति देता है, प्लस आपके रुतवे को बहुत अच्छे से वो बैलेंस करता है। क्या चीजें हमें करनी चाहिए गुरुवार के दिन और क्या चीजें हमें, जो खास करके जिन लोगों की कुंडली में जुपिटर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जैसे मान लीजिए जुपिटर जो है, गुरु जो है वो नीच के हैं और गुरु जो है वो पाप कर्त्री में है। गुरु का संबंध आपके खास करके छह आठ भाव के साथ आ रहा है, तो यानी कुछ चीजें तो वो आपकी इनहेंस करेंगे। किन प्लैनेट्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, किस तरीके के प्लैनेट के साथ वो बैठे हुए हैं, कौन सा प्लैनेट उनको ज्यादा इम्पैक्ट करता है, हार्म करता है। जैसे शत्रु के साथ बैठे हैं तो वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं। अगर आपके पॉजिटिव प्लेनेट के साथ बैठे हैं तो वो आपको, मित्र के साथ बैठे हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा एक लाभ देते हैं। बट जब हम जुपिटर की बात करते हैं और दिन की बात करते हैं तो गुरुवार का दिन जो होता है बड़ा खास इंपॉर्टेंट दिन होता है। ऐसे में खास क्या चीजें हमें करनी चाहिए, उस दिन हमें कौन से ऐसे कार्य, कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें एक बल भी मिले और जिससे वो दिन जो है वो एक खास दिन भी बनता जाए और साथ के साथ वो दिन हमें कुछ खास लाभ देने वाला दिन बन जाए। गुरुवार को कुछ चीजें, जैसे दान की बात करते हैं, गुरु का सम्मान की बात करते हैं, कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी गुरुवार के दिन चाहे आपको आपके गुरु अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो तो शांत रहिएगा, बट डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रहिए, लग्न में अगर गुरु है और रेट्रो यानी उल्टी चाल में गुरु है तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको बड़ा सॉलिड वाला देते हैं। आप नहीं सुनेंगे किसी की बात, आप स्वयं को बहुत बड़ा गुरु मानने लग जाएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि रेट्रो प्लेनेट जुपिटर खास करके हमेशा आपको ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा देता है। ये बात अलग है कि किस भाव के साथ उसका संबंध है, किस भाव में वो मौजूद है। बट लग्न की बात कर रहे हैं, जब हम ज्यादातर, मेरे जो मैंने रिसर्च किया है, ज्यादातर कुंडलियों के साथ मेरा जो कंसर्न रहा है, मैंने देखा है कि जब जब रेट्रो गुरु
लग्न के अंदर विराजमान होते हैं तो ऐसे लोग बेहद ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंस इनके नजदीक तो कम आता है, ओवर कॉन्फिडेंस इनके भर भर के पास में आता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसे लोगों को खास करके गुरुओं को तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जुपिटर को इनहेंस करने की कोशिश और बल देने की कोशिश करनी चाहिए कि हो सकता है उनसे कोई चूक हो रही हो अपने किसी खास मुख्य प्लेनेट के चलते। दान जरूर इनको, अच्छे कर्म। दान में अब क्या चीजें होती है, सहयोग। यानी गुरुवार को कहते हैं बहुत सारे लोग, गुरु अच्छा है तो आप दान क्यों कर रहे हैं। भाई दान का कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है। अब ये हमेशा चीज याद रही है, प्लेनेट चाहे अच्छा है या बुरा है या खराब है या कैसा भी है, दान जो होता है वो हमारे कर्मास का हिस्सा होता है। यानी हमारे कर्म, हम कर्म कैसे भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई आपको गुरु थर्सडे के दिन, आपका गुरु वैसे बहुत अच्छा है, कुंडली में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कोई गुरु ऐसी अवस्था में मिल जाता है जहां आपको सहयोग करने की जरूरत होती है, तो क्या आप नहीं करेंगे? क्या मंदिर में जाकर के अगर उस दिन पर्टिकुलर किसी चीज को देने की जरूरत होती है, क्या आप नहीं देंगे, मना कर देंगे? क्या आप चीजें वो नहीं करेंगे? लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जब भी जुपिटर कमजोर होता है तो वो परेशान करता है, लेकिन कभी भी ऐसी चीजों को नहीं सोचना चाहिए कि दान या फिर सहयोग कोई आपको कभी भी नुकसान की तरफ लेके जा सकता है। वो नहीं लेके जा सकता, वो हमेशा आपको लाभ ही देता है, क्योंकि वो हमारे कर्मों को पुख्ता करता है, हमारे कर्मों को स्ट्रांग करता है। आपको थर्सडे के दिन अगर गुरु पापकर्त्री में है, गुरु नीच के हैं, रेट्रो है, यानी उल्टी चाल में है, वक्रीय चाल में है, और ऐसे लोगों की दशा भी आ जाती है तो स्ट्रेस होता है, परेशानी होती है, यानी कहाँ से एक लेवल था वहां से नीचे आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे लोगों को हमेशा थर्सडे के दिन पूजा पाठ धर्म कर्म कार्य जरूर करने चाहिए, प्लस मंदिर में जाकर के कुछ ना कुछ सहयोग डोनेट जरूर करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, आपको बहुत अच्छा विजन, एक अच्छा रास्ता मिलता है जहां आप अपने फैसले सही ले पाएंगे। अब दूसरी बात आती है कि और क्या चीजें हमें करनी चाहिए जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मान लीजिए सप्तम भाव के साथ किसी खास संबंध है गुरु का, वो भी रेट्रो है, प्लस रेट्रो के साथ भी कुछ ग्रहों के साथ अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन, जैसे मैलिफिकल या फिर शत्रु के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, तो आपका सप्तम भाव खास करके शादी का भाव होता है, स्पाउस का, पार्टनर का, और आपके वर्क पार्टनर भी होते हैं और आपके लाइफ पार्टनर भी होते हैं। बट अगर गुरु वहां की किसी भी कारण से कमजोर है तो शादी में अड़चने पैदा करता है। अगर शादी में बार बार अड़चने आ रही है, आपको लगता है कि शादी, जुपिटर का कंसर्न तो है सेवंथ के साथ, बट आपको शादी में दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, फुलफिल नहीं हो पाती है, बात नहीं बन पाती है, दिक्कत आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा सोर्स बीच में बन जाता है। क्योंकि अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो उनके लिए शुक्र कारक माने जाते हैं शादी को, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो वहां जुपिटर ही शादी के कारक होते हैं। तो आपको हमेशा अपने पास सेफ्रॉन रखना चाहिए, यानी पीले कपड़े में आपको केसर डाल करके उसके एक छोटी सी कोटली बना करके हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। कच्ची हल्दी जो होती है वो रखनी चाहिए, या फिर केले की जड़ की जो मिट्टी होती है और उसमें थोड़ा सा सेफ्रॉन या हल्दी मिला करके उसका तिलक लगाना चाहिए। तो यानी ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आपके जुपिटर को थोड़ा सा बल मिल सकते हैं। आप पुखराज भी पहन सकते हैं, सुनेला भी पहन सकते हैं, यानी गो फॉर द ओरिजिनल स्टोन, और एक अच्छा प्रीशियस स्टोन होते हैं ये, उसका सहारा ले सकते हैं और अच्छे कर्म कर सकते हैं, हल्दी के केसर लगा सकते हैं और धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कभी भी थर्सडे के दिन अगर आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है और आपके जुपिटर जो है वो स्ट्रांग होता है। यानी ज्ञान जिसके पास होता है उनका जुपिटर बहुत अच्छा होता है, यानी बहुत अच्छे ज्ञानी जो हमारे प्रोफेसर होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्सेस नॉलेज वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम टीचर्स की बात करते हैं तो कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छी नॉलेज पकड़ होती है उनकी, तो यानी ऐसा नहीं कि दूसरे खराब होते हैं, बट हर एक व्यक्ति का एक अलग भूमिका होती है, हर एक व्यक्ति का एक अलग खासियत होती है। तो वैसे लोगों का खास करके जुपिटर जो होता है वो बड़ा कमाल का होता है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होता है, कुछ अच्छी चीजें इनकी जिंदगी में जुड़ती। तो कभी भी हमेशा थर्सडे के दिन
आपको डोनेट भी करना चाहिए, मंदिरों में भी जाना चाहिए, पूजा स्थान पर जाना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए, पढ़नी भी चाहिए, केसर हल्दी का प्रयोग करना चाहिए और हमेशा अपने घर को खुशबूदार रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि घर के अंदर जो है धूप बत्ती, अगरबत्ती या फिर हम कहते हैं कि धुनी जो होती है, वो अपने घर में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते रहना चाहिए। तो ऐसे लोगों को एक चीज का बस ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, अपने गुरुओं को तो बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता है, मान लीजिए कोई भी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति है जिसे आप सुनते हैं, पूछते हैं या फिर बात करते हैं, या आपके टीचर्स हैं या आपके गुरु हैं, गुरु रूपी है, जरूरी नहीं कि गुरु रूपी भी हो सकते हैं, तो गलत अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये सारी चीजें करते हैं तो जुपिटर आपका इनहेंस होता है। तो खास के दिन खास करके ये चीजें जरूर करनी चाहिए। तो देखा आपने, एक छोटी सी वीडियो आप सब लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आपने इंतजार जरूर करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।